Hello friends, in this video lecture we are going to learn an important topic of analysis and design of algorithm, and it is called substitution. Substitution is based on the recurrence relation, solving a recurrence relation method, and it is going to be an interesting topic of analysis and design of algorithm. Okay, so t of n is equals to t of n minus 1 plus d. This is the recurrence form of the factorial. Okay, in the previous lectures I have already explained you how to derive a recurrence relation for the factorial of a program. So from that particular relation I have been deriving this t of n minus 1 plus d, which is the factorial recurrence relation. And here t of 0 is equals to 1 has been written. That means n is equals to 0. When n is equals to 0, your factorial will give you an output 1. So that's why the base case for it this has been written here, t of 0 is equals to 1. Kabhi kabhar hume ye cheez given aati hai yahan par, aur kabhi kabhar hume khud hi usse ko identify karna padta hai ki hume base case kya identify karna hai. Okay, ab hum isko substitution ki help se find out karte hain. अगर हमें इसको सब्सटीट्यूशन से फाइंड आउट करना है तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स में कुछ वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा बार बार, और हमें ये देखना पड़ेगा सब्सटीट्यूशन को सॉल्व करते टाइम कि क्या हमारा कोई पैटर्न जनरेट हो रहा है उससे या नहीं. ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पुट n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इन इक्वेशन 1. यानी कि अगर हम n की बजाय यहाँ पर n माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा n माइनस 2 प्लस d. ये हमने इक्वेशन नंबर बना दिया 2. ओके, नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ t ऑफ n माइनस 1 जो हमारा यहाँ जनरेट हुआ. अगर हमें इसे वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करें तो हमारे पास न्यू फॉर्म क्या जनरेट हो जाएगी, t of n minus 2 plus 2d this time. Okay, now next one is, अगर हम यहाँ पर t of n minus 2, क्योंकि हमारा यहाँ generate हुआ है, हम वापस equation number 1 में t of n minus 2 की value put up करते हैं, तो t of n minus 2 minus 1 plus d यहाँ पे क्या हो जाएगा, t of n minus 3 plus 3d. Okay, so यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो बार बार एक टाइप का पैटर्न जनरेट हो रहा है. दैट मीन्स टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस आई प्लस आई डी. ओके, सो यहाँ पर आई जो आपकी टर्म है वो आपकी बार बार 1, 2, 3 बार बार चेंज होती जाती है, और यहाँ पर जो आई डी है यहाँ पर फिर से आपकी आई की वैल्यू 1, 2, 3 बार बार जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे सब्सटीट्यूट करते रहेंगे वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. ओके, सो इसी पर हम आगे क्या करते हैं, जब हमें इसका पैटर्न मिल जाता है तो पैटर्न मिलने के बाद हम उसे बेस केस फाइंड आउट करते हैं. बेस केस क्योंकि इस केस में आपको गिवन था यहाँ पर टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो हमने क्या देखा, बेस केस फॉर एन इज इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट आई इज इक्वल्स टू एन. यानी कि यहाँ पर जहाँ हमें उस बेस केस को अचीव करना है तो हमें टी ऑफ 0 की फॉर्म लेके आनी है वहाँ पर. तो हमने क्या करा, हमने एन माइनस आई जहाँ पर हम कर रहे हैं आई के प्लेस पर हमने क्या करा, वहां पर n को सब्सटीट्यूट करा. तो यहां पर यही लिखा है आपके पास, i इज इक्वल्स टू n. इन इक्वेशन 6 वी गेट t ऑफ n इज इक्वल्स टू n माइनस n, क्योंकि i की वैल्यू हमने n रख दिया यहां पर, तो n माइनस n वो हमारा हो गया t ऑफ 0. तो t ऑफ 0 ही आपके पास बेस केस था जिसकी वैल्यू आपको गिवन है यहां पर 1, तो आपने उसको 1 सब्सटीट्यूट कर दिया. प्लस n एंड d बोथ आर द टर्म्स विच हैज बीन अकरिंग फ्रॉम दिस रिलेशन ओनली, क्योंकि i की वैल्यू हमने n रखी है, तो यहां पर भी ये n एंड d की फॉर्म ले गया. अब हमारे पास फाइनली क्या आया, यहाँ आया 1 प्लस n इंटू डी. यहाँ पर d एंड 1 अगर आप देखेंगे तो दोनों हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, उनको वी कैन इग्नोर. तो हमारे पास ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, t ऑफ n इज इक्वल्स टू बिग थीटा ऑफ n. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सब्सटीट्यूट द नंबर ऑफ टाइम्स टिल वी सी अ पैटर्न, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट पैटर्न वी हैव टू सी द बेस ऑफ रिकर्जन, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द बेस ऑफ रिकर्जन वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बेस ऑफ रिकर्जन विच हैज बीन गिवन टू यू, एंड बाय इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट्स वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेम. दिस इज द सब्सटीट्यूशन मेथड, एंड सिमिलर टू दिस सब्सटीट्यूशन मेथड देर आर नंबर ऑफ अदर सब्सटीट्यूशन मेथड्स. बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसेस यू कैन फाइंड इट आउट द ओवरऑल रिकरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर, द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, सो यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स एंड फाइंड आउट एनी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट सब्सटीट्यूशन रिकरेंस विच हैज बीन गिवन इन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द गेट एंड यूजीसी नेट एग्जाम्स, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बीटेक एमडीयू एंड यूपीटीयू सिलेबस एज वेल. थैंक यू सो मच.